हजारों किलोमीटर। धर्माश्रय, धर्म का आश्रय लेने बगैर किसी भी मनुष्य में मनुष्यता नहीं पैदा होती। जब पैदा होता है तो एक पशु पैदा होता है। आप हम सब जब पैदा हुए तो पशु जैसे एक प्राणी पैदा हुए। छोटा सा बालक लेटरिन करता है और उसमें हाथ डालने लगता है, क्या है वो? मां जब देखती है, अरे ऐसा नहीं करना बेटा, नोनी कर लो, छी छी गंदो। गंदो जी, जब मां कहती है तो बच्चे को लगता है कि कुछ गलत हुआ, तब वो उस चीज से गंदगी से दूर होने लगता है कि गलत है, ये अच्छा नहीं। मां रोकती है, मारती है, इधर नहीं हाथ लगाना, गंदा है, दो साफ कर। पैदा होते हैं तो एक प्राणी जैसे, पशु जैसे पैदा होते, और उसके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार अगर उसमें है और उसको अच्छा सा वातावरण मिल गया है तो फिर वो एक पशु जैसा बालक अबोध, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, बड़े से बड़ा नेता बन सकता है, बड़े से बड़ा शूरवीर बन सकता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर, वकील, बहुत बड़ा काश्तकार बन सकता है, बहुत बड़ा संत बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए कई जगह तो मैं इस सत्संग के पंडाल को कहता हूं ये ट्रेनिंग सेंटर है। हमारे आश्रम में हर पूनम को सत्संग का आयोजन होता, 2-3 घंटे का, उधर भी हजारों लोग होते। तो उनको कहता हूं ये ट्रेनिंग स्कूल, बापूजी पूरे भारत में क्या आपके ही पास ट्रेनिंग स्कूल है? नहीं, हजारों युगो युगो से। ये भारत देश तो संतों की जन्म भूमि रही, भारत के बाहर भी महापुरुष हुए लेकिन इतिहास के अध्ययन के बाद पता चलता है कि भारत के बाहर जो कंट्रियां है उसमें कम लोग हुए, महापुरुष हुए, सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया सारी परमात्मा की, महात्मा पेंटागोन, महात्मा ईसा, मूसा, हजरत मोहम्मद, कहीं बाहर भी हुए लेकिन भारत की बात करेंगे तो यहां पर तो कहते हैं। महात्मा गांधी जी को पूछा गया विदेश में कि आप गौरव करते अपने देश का, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपके देश में एक ईसा मसीहा हुआ ना, उसके ऊपर इतना गौरव करते हो, और हिंदुस्तान तो ऐसी धरती है जिसके हर तहसील के गांव गांव के नजदीक कोई न कोई मसीहा हुआ है, कोई न कोई महापुरुष हुआ है। देखो ना आप 50 किलोमीटर के ऊपर देखो, कोई न कोई प्राचीन स्थान है, कोई न कोई संत हुआ है, कोई महापुरुष हुआ है, किसी भी संप्रदाय, समाज, व्यवस्था, कहीं भी ये बात नहीं है लेकिन महापुरुष हुआ। अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो हमारे साहब ने कहा, जॉन साहब ने, कि ये काशीनाथ बाबा का स्थान है बापूजी, बड़े संत अच्छे हो गए, उनके बारे में जानकारी। ऐसे आपको पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने घूमो, कहीं 50-50 किलोमीटर पर एक महापुरुष होगा या कभी हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसे मसीहा तो उस देश में गांव गांव में हुए। किसी भी गांव का आप पुराना इतिहास ढूंढो, कोई न कोई महापुरुष।
ये संतों की भूमि, और इसको हम विभाजन की दृष्टि से नहीं देखेंगे, छोटे टुकड़े में नहीं देखेंगे, बड़े विशाल। कभी कभी मेरी इच्छा होती है कुछ विशेष लोग मुझसे चर्चा करते, बापूजी संत सेवालाल महाराज के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण। तो मैं कहता हूं महापुरुष हो गए, दृष्टिकोण का सवाल ही नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि उस महापुरुष की महिमा को पीछे वाले भक्त हम लोग जो है वो किस तरह करना चाहते। भगवान तो भगवान होता है, महिमा भक्त के ऊपर डिपेंड है। इसलिए भावनाएं होती है कि क्यों ना आद्य गुरु शंकराचार्य, वेदव्यास, कपिल, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इन महापुरुषों की संगत में हम भी क्यों ना हमारे संत को बिठावे। ऐसी भावना होती, अलग थलग क्यों रखे, अलग रखने में वो विशालता नहीं आई, खुलकर। ये सब मिलकर हो सकता है, होता है। ओ जी सतगुरु आया बिन जारा रे मनवा, बिन गुरु आया बन जारा, गलत नहीं लेना इस बात को। सुने ये सारे जो अच्छी जो बाणिया की रचना की, संत कबीर, संत रविदास, संत दादू दयाल, संत सुंदरदास, संत पलटूदास जी महाराज जो राजस्थान में हो गए, उन्होंने इस चीज को किसी समाज को लेकर नहीं कहा। उन्होंने कहा ये सारा संसार ही एक व्यापार करने आया है, और जो व्यापार करे वो बन जा रहा, इसमें किसी जाति विशेष का इशारा नहीं, लेकिन भाव है उसके बड़े अच्छे भाव। ये लोगों को याद आ गए, सतगुरु आया बन जा रहा रे मन भाव, दिन गुरु आया बन जा रहा, चुक मत बंदे आयोड़ा अवसर, चुक मत बंदे मिले न दूजी बार सगो भाई, सिन गुरु आया बिन जा रहा, वो जी सत गुरु आया बिन जा रहा रे, आयोड़ा अवसर चुके मत बन जा, संसार की बात की। ज्ञान गुणाई बालक भर जाया, प्यारे बंधुओं संसार में ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन में सबसे कीमती चीज है बुद्धि, और उस बुद्धि रूपी कपाट में कौन क्या भर रहा है ये महत्व की बात। आपके घर में कपाट लाकर आपने रखा है गोदरेज कपाट,
लेकिन अब उस गोदरेज कपाट में आप क्या फटी पुरानी गोदड़ियां भर रहे हो या अच्छे अच्छे कपड़े भर रहे हो या हीरे मोती सोने चांदी के गहने दागीने भर रहे हो या उसमें पैसा रखा है, ये आप मालिक है उसके, क्योंकि आपकी कपाट, आपने गोदरेज कपाट लाई है, भले ही शादी में मिली हो या खुद खरीद कर लाए हो, लेकिन उसमें आप रखना क्या चाहते हो ये महत्व की बात है। जिसको जो समझ में आया, भगवान ने बुद्धि सभी को दी, उस बुद्धि में किसको क्या भरना चाहिए। कई लोग बहुत क्षुद्र विचार भर लेते हैं, बस दुनिया भर की बातें कचरे की, जिसका कोई मोल नहीं, खुद भी परेशान उन विचारों से और जिसके पास बैठे वो भी परेशान उस विचारों से, तो फिर ऐसा गंदा कचरा भरने से क्या लाभ। कभी मैं एक दृष्टांत कहता था, कभी कहता हूं, एक राजा ने महल बनाए, बहुत बड़ा राज दरबार था, उसके तीन बेटे थे, तीनों बेटे तीन प्रकार के। जब संपत्ति का विभाजन करने का समय आया, तीनों अपना अपना हक मांगने लगे, हमारे हिस्से बांटे कर दो, हम न्यारे होते। राजा ने कहा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी मूर्ख के हाथ में पड़ जाए तो सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। उसने सोचा कि कोई बुद्धिमान, जो तीनों में से जो विशेष बुद्धिमान हो उसको दिया जाए। राजा ने एक शर्त रखी, बेटे एक रात में, तीन महल थे उनके, तीन बड़े बड़े हॉल थे, तीनों हॉल तीन बेटों को दे दिया, कहते एक रात में जो इसको भर देगा उसका नंबर पहला है, लेकिन पूरा भरना चाहिए। पिताजी किस चीज से भरना? राजा साहब ने कहा किसी भी चीज से भरो, क्योंकि राजा को उनकी बुद्धि का टेस्ट लेना था, बौद्धिक परीक्षा लेना। कहते भरो किससे? तीनों बेटों ने, एक तो गया पत्ते खेलने के दुकान में, अड्डे में, उसने कहा कि रात भर में शायद बहुत कमाई कर लूं, जो था वो भी चला गया, राजकुमार था। दूसरे ने सोचा कि रात भर में कौन सी चीज भर सकते, गया गांव के सफाई में कर्मचारियों के पास, उसने कहा कि रात भर में मकान को भर देना है, महाराज का आदेश है, उसी से हमारा वो होने वाला है कल सिलेक्शन। उसने कहा क्या चाहते हो आप? बोले आप पूरे गांव का जो कचरा इकट्ठा करते हो वो बहुत सस्ती चीज है और शायद बड़े पैमाने में भी होता है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सारा कचरा ट्रालियों से भर भर के वो बंगले में भर दो। उसने कहा गजब का आदमी है, लेकिन राजकुमार है, मानना तो पड़ेगा, मैं आपकी मजदूरी आपको दे दूंगा, ये सारा कचरा भर। दूसरे ने अपने बंगले में सारा कचरा भर दिया, सस्ती चीज थी, कम दाम में मिल गई और सारा वो रूखड़े होते ढेर कचरे के भर दिया। तीसरा सोच में गिरा, आधी रात हो गई सोचते सोचते, कल बताना है भर के, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या भरना चाहिए। महाराज ने कहा है वो बहुत बुद्धिजीवी था, ज्ञानवान था, क्या भरना चाहिए, और इतना कुछ है भी नहीं मेरे पास, और पड़ोसी मेरे भाई ने तो सारे गांव का कचरा लाकर भर दिया,
अब इससे घटिया कोई चीज नहीं और कचरा कोई भरने की चीज है महल में? इसके गरिमा को कलंक लगाना। सोचते रहा, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे भी कोई ऐसी युक्ति दो। अब तो आधी रात चली गई, दो चार घंटे बचे उसमें भरना। और महाराज उसको बुद्धि योगम ददाम में हम, भगवान गीता में कहते मैं मेरे भक्तों को बुद्धि योग देता हूं। सबसे बड़ी चीज क्या है जीवन में? बुद्धि। आप कितने खूबसूरत हो और आपको बुद्धि नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं है। कि बड़ा खूबसूरत है इसलिए इसका सम्मान नहीं। आप कितने महान हो, आपके क्या कार्य है, आपके विचार कैसे है, आपकी बुद्धि कैसे है, घटिया है या उच्च वर्ण की? बंधुओं, भगवान ने बुद्धि दी और तुरंत उसको आया, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए महल के, बिल्कुल अंधेरा कर दिया और अंदर जाके एक ज्योत लगा दी, एक दिया लगा दिया और अगरबत्तियां लगा दी, धूप लगा दी और बंद करके बाहर आ। जब सुबह परीक्षा का समय आया, महाराज ने कहा कि लाओ दिखाओ किसने क्या भरा है तीनों भाइयों में से। एक ने कहा मैं तो अड्डे में गया सत्ते के पत्ते के और सोचा कि बहुत सारा मिल जाएगा इकट्ठा, लेकिन जो था वो भी चला गया तो मैं तो फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया। दूसरा बड़ा खुश था, उसने कहा महाराज मैंने भर दिया है, आपने कहा था कि भर देना है, मैंने भर दिया है। सब लोग गए, चलो क्या भरा है इसने एक रात में? खोला है गेट, क्या आया होगा? बदबू आई, दुर्गंध आई, सारे गांव का कचरा भर दिया। राजा ने कहा कि मूर्ख। तीसरे को कहा कि तुमने क्या भरा है? वो स्वागत करके ले जाता है और दरवाजा खोल के दिखाता है, क्या भरा था? एक प्रकाश भरा हुआ, एक उजाला भरा और खुशबू भरी, एक सुगंध भरी। इतने कम समय में क्या भर सकते? उसमें उसने सुगंधित धूप लगाई तो खुशबू भरी है, सुगंध भरा हुआ है और आलोक भरा हुआ है, प्रकाश भरा है पूरे महल में। उसी समय उसका गौरव हुआ और महाराज ने कहा कि जिसके पास पास पवित्र बुद्धि है वही मेरे इस संपत्ति का अधिकारी है, दुर्बुद्धि को क्या करे? बद्दुओं, हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि में क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, इसके जिम्मेवार हम हैं। इसके लिए सदविचार भरने चाहिए। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। भगवान कहते हैं ज्ञान के समान जीवन को पवित्र करने वाला, जीवन को संभालने वाला, जीवन को एक सुंदर रूप देने वाला कोई भी साधन नहीं है, ज्ञान चाहिए। ज्ञान को आप ये मत समझ लेना कि बापू हमको तो बहुत बड़ी बड़ी कथा कुछ याद नहीं है, भजन भी हमारे याद नहीं रहते, रामायण महाभारत याद नहीं रहते, हम क्या करें? ऐसा एक बंधु ने मुझे लेटर लिखा पाल आश्रम ने, उसका नाम नहीं कहूंगा
मैं नाम नहीं बताता हूँ, कैसेटें बनती है देश भर में जाते, झगड़े हो जाए, दंगे हो जाए, केवल मैं उसके बुद्धि का परिचय दूं आपको। उस बंधु ने लेटर लिखा, बापूजी आप हमारे समाज में बंजारा समाज के संत है, बहुत खुशी की बात है, बहुत धन्यवाद है, और आपको मैं एक परिचय देना चाहता हूँ कि आप पौरागढ़ सत्संग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंजारा समाज सदियों से रामायण और महाभारत से कोसों दूर है, ऐसा लिखा। सदियों से रामायण और महाभारत के विचारों से कोसों दूर है, इसलिए राधे कृष्ण करने से, भगवान के नाम लेने से उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। रामायण महाभारत के विचारों से उनका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। संत सेवालाल महाराज के ही विचार उन्हें सुनाए जाए। अब उस बंधु को मैं कैसे समझाऊं? वो एक अच्छा व्यक्ति है, लेखक है। अगर हम हमारे महापुरुष को एक संत नाम दे रहे हैं तो संत क्या सिखाएगा? बजाओ ताली, थोड़ा चौकन्ने हो जाएगा। संत क्या सिखाएगा? क्या हमारे महापुरुष संत सेवालाल महाराज ने हमको कहा कि चोरी करा करो, सारे बंजारे चोर बन जाओ, सारे बंजारे कपड़े मत धोआ करो, वैसे ही रहना, स्नान मत किया करो, अच्छी बातें जहां हो वहां बैठा मत करो क्योंकि आप बंजारे हो। रामायण महाभारत को मत छू लेना, नहीं तो अपवित्र हो जाओगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। मैं संत सेवालाल महाराज आपका संत हूं, मुझे कोई बड़े महापुरुष या संतों के साथ मत बिठा देना, या मेरे कानों पे पवित्र भगवान के नाम मत सुना देना। ये कहा होगा, आपकी आत्मा गवाह देती है कि महाराज जैसे महापुरुष ने ये कहा होगा आपको। जब कोई संत है, कोई महापुरुष है, उनके विचार महान होते हैं और महान तम के बाद ही वो महान होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे बुजदिलों को, ऐसे कमजोर विचार वाले लोगों को कि आप संत सेवालाल महाराज के भक्त कहने योग्य नहीं हो सकते। अगर वो ब्रह्मवासी महापुरुष संत शिरोमणि सेवालाल महाराज मेरी बात सुन रहे होंगे तो मैं व्यासपीठ के ऊपर से बोलूंगा कि उनके भक्त कहाने का अधिकार शायद मुझे हो सकता है। भक्त कहाने का अधिकार हो सकता है। लोगों ने सारी परंपराओं को डिस्टर्ब किया महाराज, किसी एक इसके लिए नहीं कहूंगा, मैं तो खुले चैलेंज में कहता हूं, कहीं भी व्यासपीठ से भी कहता हूं कि संसार में जितने मुसलमान हैं क्या उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को ठीक से समझा है? मुश्किल है, कुछ चुनिंदा लोग जो हजरत मोहम्मद साहब की बातों को समझे, कम लोग समझते। क्या संसार का सभी ब्राह्मण समाज वो वेद को अच्छी तरह समझते हैं? मुश्किल है, कोई एक महान
जो समझे वेद के सिद्धांत। संसार का जैन समाज क्या महावीर साहब के सारे सूत्रों को ठीक से समझते हो गए? मुश्किल है कुछ लोग। भगवान बुद्ध के भावों को क्या ठीक से समझते होंगे लोग? कुछ लोग। और इसीलिए धर्म में युद्ध होते हैं, धर्म में झगड़े होते हैं। धर्म में झगड़े होना चाहिए? धर्म तो ऐसी चीज है। एक किसी संत ने कहा कि चार आंखें मिली, एक भगवान का जन एक दूसरे भगवान के जन से मिला, जिसे हरिजन कहते हैं, जो हरि का जन है। तो कहा संत ने, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। एक भगवान का जन, भगवान का भक्त एक दूसरे भगवान के भक्त से मिले तो क्या होगा? चार आंखें मिली, 64 दांत खिले दोनों तरफ से, दोनों के हाथ जुड़ गए 20, बिहार से 7 करोड़। ऋषियों की गणना के अनुसार शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। ऋषियों की गणना के अनुसार एक व्यक्ति के शरीर पर 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। ये छिद्र है ना चमड़ी में, तो 3.5 और 3.5 7 करोड़ प्रफुल्लित हो गए। ये मेरा भाव है। तो बंधुओं, संत की जो बात है उन्हीं से, उनके सूत्र, उनके सिद्धांत। मैंने भी महाराज के विषय में कुछ थोड़ा पढ़ा है और सुना है। ऐसे महापुरुष हो गए जो भागवत काल में ऋषि दुर्वासा ने भगवान कृष्ण के परिवार के जो लोग थे, यदुकुल के लोग, बहुत समृद्ध और संपत्तिशाली होने के कारण भोग विलास में इतने लंपट हो गए कि उनकी बुद्धि गड़बड़ हो रही। किसकी? भगवान कृष्ण के परिवार के लोग, यदुकुल के लोग। भागवत का लेख है। तो यदुकुल के लोगों की ऐसी हालत हो गई महाराज। और वो जब आदमी की बुद्धि खराब होती है किसके कारण? उसके दोषों के कारण। भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान डंडा लेके थोड़े मारने आएंगे, भगवान डंडा लेके नहीं, भगवान के पास ऐसी अद्भुत लीला है, भगवान के बनाए हुए मनुष्य और मनुष्य के बनाए हुए संसाधन, उन साधनों के द्वारा भी कितना सिस्टमेटिक व्यवस्था है। देखो, आपके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, वो कंपनी का मालिक कहने के लिए आता है क्या घर पर कि श्रीमान आपके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, पैसे भर दो आके? नहीं कहता है, वो संभव ही नहीं है, कहां जाएगा। तो उसने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि आपका ही मोबाइल कह देगा और नहीं सुनोगे तो बंद हो जाएगा, कह देगा वो आपको सावधान कर देगा, बैलेंस खत्म हो गया है, और नहीं तो बंद हो जाएगा कि जाओ भाई। तो जब एक मानवीय साधन में इतनी क्षमता है तो परमात्मा में कितनी क्षमता होगी, विचार करो। तो लोग कहते हैं कि भगवान कहां देखने के लिए आ रहा है, हम कहीं भी करा भगवान कब देख रहे हो, भगवान कहीं देखे ना। और भक्ति में ये लोग एक एक बात बोलते, कोई अगर भक्ति करे, सेवा साधना,
भगवान का ही काम धंधो करन घरे में नाखे वाला। मैं भी छोटा सा था तो मुझे भी छोटा था, मैं मेरे धुन में कोई संस्कार हो गया। यो रणवा भगवान भगवान नाम लेव कर जी, भगवान कहीं तो खाएन लाए लाए कहीं घरे में तारी डोली टूट जाता है। श्री राधे। बताओ। और लेटर में उस बंधु ने भी यही कहा कि किसी देवी देवता के नाम पर बंजारों को कोई गुलाम न बनाना चाहे। यूं कहे। धन्यवाद है उसकी बुद्धि को। अगर कैसेटिव के द्वारा मेरी ये बात वो सुन ले या कोई सुना दे तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वो समाज को विशाल धाराओं से अलग ले जाने का सुझाव न दे। आप वैदिक संस्कृति के लोग, सनातन धर्म के सिद्धांत के लोग, ब्रह्म की संतान, सर्वोच्च, एक सुंदर राजपूताना परिवार और एक राजपूतों की शाखा, जो आन बान और शान से जीने वाले लोग, और वो कहे कि हम रामायण भागवत नहीं जानते, कितना निम्न है। आज भी ये समाज की इतनी सुंदर संस्कृति है जिसका कोई वर्णन नहीं है, अद्भुत संस्कृति महाराज, और सारी सुंदर वैदिक से जुड़ी हुई संस्कृति। 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आई और उसमें बंजारा समाज का वर्णन आया। महाराज रहुगण नाम के राजा जिसको जड़ भरत मुनि ने उपदेश दिया और उपदेश के साथ बंजारों का प्रमाण दिया, हे राजन एक संसार एक बंजारा है। उस समय 5000 वर्ष पहले इतना सुंदर और प्रमाणित संस्कारी देश का सभी समाज संस्कारी था, आज भी है, बहुत मात्रा में है, लेकिन कुछ कमजोर दिमाग के लोगों ने समाज को एक दूसरे से तोड़ तोड़ कर क्षुद्रता में ले आए। जबकि महापुरुषों ने, जब भी जो भी महापुरुष हुआ उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया। जागतिक लेवल पर सारे मनुष्य जाति का विकास होना चाहिए, इसलिए महापुरुषों ने प्रयास किया, आज भी है, चाहे नेता के रूप में हो, साधु के रूप में हो, साइंटिस्ट के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो केवल इंसानियत के लिए विचार करते हैं, न कि एक राष्ट्र के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए ऐसे चीजों को रिसर्च करते, खोज करते हैं कि सारा मानव समाज धन्य हो जाए। इसलिए इन भावनाओं के साथ ये लोग वाणी में गा रहे, बड़ा अच्छा इशारा दिया, शायद कबीर साहब की है। संत कबीर साहब ने कहा 500 बरस पहले, कहा कब कहा, 500 वर्ष पहले संत कबीर। चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध ही महावीर हो, मीरा हो, रविदास हो, सूरदास हो, गुरु नानक कोई भी हो, चाहे हमारे संत शिरोमणि सेवालाल महाराज हो, सभी संतों ने, सभी संतों को कबीर साहब ने बंजारा शब्द यूज किया, व्यापार करने वाले। और किस चीज की बाड़द भर के लाया, ज्ञान ध्यान री बाड़द भर। कौन ये सभी महापुरुष हमारे,
जी ज्ञान गुणारी बालद भर लाया हीरा लाया पारा सतगुरु आया बनज करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ज्ञान ध्यान री बालद भर लाया, मोती लाल जवाहरा, महंगी चीज अमोलक ले आया, बनजे बनजन हारा। संत कबीर साहब 550 बरस पहले सौदा कर ला। मैंने जो बात कही कि अपनी बुद्धि में क्या भरना चाहिए, क्या निकाल कर फेंक देना चाहिए, ये हर एक की जिम्मेवारी है। हे अर्जुन, तेरी बुद्धि में जो कुछ भरा है उसको हटाकर मेरी बात सुन। भगवान